जंतर मंतर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधे रुक कर रहे हैं। आपको बता दें, दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का जो धरना है वो जारी है। पहलवानों के धरने का 21वां दिन है आज। पहलवानों के धरने का 21वां दिन, WFI अध्यक्ष बिजभूषण की गिरफ्तारी की मांग हो रही है। लगातार ये मांग पहलवानों की तरफ से हो रही है। आज पहलवानों के धरने पर हरियाणा कांग्रेस पहुंचने वाली है। पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में धरना स्थल पर जाएंगे कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के कार्यकर्ता। आज धरना स्थल पर पहुंचकर समर्थन करेंगे पहलवानों का। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, 21 दिन हो चुके हैं आज, एक महीना पूरा होने में कुछ ही दिन बचे हैं। आप देखिए, तब से पहलवान जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांग को लेकर, और एक ही मांग है उनकी, बृजभूषण की गिरफ्तारी की। और ऐसे में अब हरियाणा कांग्रेस भी आज समर्थन करने के लिए पहुंचेगी। और मेरे सहयोगी अरुण कौशल मेरे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अरुण, कैसी तस्वीरें हैं धरना स्थल से अभी? ये स्थिति आपको बता दूं कि बृजभूषण सिंह जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष है, उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज धरने पर बैठे पहलवानों का 21वां दिन है। और इस बीच हरियाणा पंजाब के किसान जो है वो लगातार जो है पहलवानों के समर्थन में पहुंच रहे हैं। इसके अलावा आज हरियाणा कांग्रेस के जो विधायक है वो भी यहाँ जंतर मंतर पहुंचेंगे। भूपिंदर सिंह हुड्डा जो पूर्व CM है हरियाणा के, वो भी यहाँ पहुंचेंगे, पहलवानों के बीच बैठेंगे, उनका हौसला बढ़ाएंगे, साथ में कुछ हो सकता है कुछ नई मीटिंग वो बना सकते हैं आज जंतर मंतर पर पहुंचकर। इस बीच मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, जो कांग्रेस के ही विधायक है शमशेर सिंह धोबी, उनका कहना है, क्योंकि पानीपत में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के जितने भी विधायक है वो कांग्रेसी हैं, जो वो जंतर मंतर हो आए हैं, अब जो नहीं गया वही जो है शनिवार यानी आज जंतर मंतर पहुंचेंगे। ठीक है, ठीक है, समर्थन करने के लिए तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो पहुंचेंगे, जो नहीं गया वो पहुंचेंगे। क्या रणनीति पहलवानों की अभी नजर आ रही है? क्या अभी भी उनका यही कहना है कि डटे रहेंगे, कुछ और कदम आगे उठाने की सोच रहे हैं क्या? देखिए सिस्टी, जो मैं आपको बता दूं कि अभी तो फिलहाल पहलवानों का एक ही स्टैंड है कि बृजभूषण की गिरफ्तारी हुई। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जब पूरा एक महापंचायत हुई थी तो 21 तारीख का जो अल्टीमेटम गवर्नमेंट को दिया गया था कि 21 तारीख तक सरकार कोई निर्णय लेती है या बृजभूषण के खिलाफ कोई एक्शन होता है तो ठीक है, अदरवाइज हम जो है इस पर एक से ही बड़ी एक जो है बैठक करेंगे, तो आगे के जो निर्णय होंगे वो उसमें लेंगे। तो अभी 21 तारीख का तो इन्होंने बोल ही रखा है कि 21 तारीख तक जो है देखना होगा। उसके अलावा मैं कोर्ट से भी जो है, मैं आपको बताया था कल की जो है कोर्ट में फाइल सबमिट करी थी पुलिस ने, जो रिपोर्ट है वो जांच रिपोर्ट दी थी पूरी वो दी थी, उसके बाद 15 दिन बाद जो है फाइनल रिपोर्ट जो है पुलिस ने सौंपनी है, जिसमें क्या स्टेप उठाए इन्होंने, क्या आगे कार्रवाई रहेगी, फाइनल रिपोर्ट जाएगी कोर्ट के अंदर। इसके अलावा मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको सृष्टि की, जो एशियाई खेलों और ओलंपिक खेलों की एक टीम होती है टॉप, उसमें बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट को बरकरार रखा हुआ है उनकी जो पिछली परफॉर्मेंस को देखते हुए। ठीक है, जो 27 जो और खिलाड़ी हैं वो इस टीम में शामिल किए गए हैं। तो जहां पर इनकी जो खेलने की बात आ रही थी कि हमने नेशनल हमने ओलंपिक खेलना है या इंटरनेशनल खेलना है, तो वो उस टीम में ये अभी बरकरार है, तो उनकी जो पिछली परफॉर्मेंस को देखते बरकरार रखा हुआ है। तो ये तो इनकी बात रह गई है कि जहाँ पर डाउट था कि शायद इनको निकाल दिया जाएगा इस टीम से या बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि काफी टाइम से इनकी प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है, तो प्रैक्टिस नहीं होगी तो एक खिलाड़ी की जो परफॉर्मेंस होती है उसमें कमी आ जाती है, वो तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाता, बट इसको फिर भी जो है डॉक्टर इनको अपनी टीम में बरकरार किया हुआ। ठीक है, चलिए, ठीक है अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और देखिए, जो तस्वीरें अभी सामने आ रही हैं उसमें पहलवान लगातार अभी भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, धरना दे रहे हैं, और आज कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं का भी समर्थन उनको मिलता नजर आएगा।